क्या ये सच्चाई छिपी है कि इस देश के में किसानों को एमएसपी नहीं मिल बताओ रही है? कहां मिल रही है बोला। अच्छा झूठ का बताओ कोई इलाज है क्या? अच्छा झूठ का तो कोई इलाज है ही नहीं भाई, सरासरी सब देश के सामने झूठ बोल रहे, बताओ क्या इलाज है, कर लो क्या करो इनका। देखिए लेकिन गलती इनकी भी कुछ नहीं, चल इनकी भी कुछ नहीं रही, इनका भी बस्ता दे रखा हाथ में, क्या बोलना है सब बंधन में है। नहीं बोलने की आजादी तो केवल राकेश टिकैत जी को है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमको है, हमको है, लेकिन पिछले 10 महीने में जो जो इन्होंने बोला है उसका जरा एक पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाए तो खुद में बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। नहीं, नहीं, हमने तो कुछ चुनिंदा बातें जो आपको याद हो बताइए। जी जी नहीं नहीं मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं मैं एमएसपी का बाकायदा एमएसपी पर खरीद होना और उसका भुगतान तीसरे दिन होना, ये केवल कहने से बात नहीं बनती है। मैं झूठ बोलने का क्या मतलब है मुझको? अच्छा ठीक है, झूठ ये बोल रहे हैं आप अपने जिले में। अब आपने एमपी साहब ने कह दिया, बिल्कुल आपका धन्यवाद। आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल चेक कर लीजिए, आपके जिले में चेक कर लीजिए, आपका जिला पर बराबर ठीक है भाई, खरीदारी भी हुई है सब, और तीसरे दिन भुगतान भी हुआ ठीक। मैं खुद खरीद के जाकर आया हूँ उनको, आपकी बात मान ली भाई साहब। ध्यान से सुन लेना, एमपी साहब ने अपने जिले की जिम्मेदारी ले ली, किसी के धान की खरीद नहीं होगी तो डीएम और एमपी साहब तैयारी कर ले, हम पूरा धान वहां पर लेकर आएंगे, अपना क्रय केंद्र लगवा लो, कहीं पे भी लगवा लो, आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका क्षेत्र है उसमें आप खरीदारी करवा देना। एमपी साहब ने जिम्मेदारी ले ली, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिसकी भी धान है वो एमपी साहब की जिम्मेदारी है, लेकर और मेरठ की डब को अपना चल दो। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत, मिल गई हमें जगह, मिल गई एमपी साहब का ऑफिस मिल गया, घर मिल गया, वहां का डीएम का ऑफिस मिल गया, वहां जो मेला ग्राउंड होगा वो मिल गया, एमपी साहब जगह बताओ लेकर कहां है? ऐसा है ना, ना एक हम समस्या आप बताओ कि जगह समस्या पर चर्चा करें, ठीक है आप आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, बराबर स्वागत है आपका। नहीं कहां लेकर आना, जगह बता दो मेरे को। ठीक है जी, सुनिए बात को, सुनिए बताओ, केवल हंगामा करना, केवल मेरी बात सुन लीजिए, केवल हंगामा करना, हल नहीं निकालना, ये इस आंदोलन का बिल्कुल एक प्रकार का क्रक्स हो गया है। किसी भी प्रकार की चर्चा से भागना, किसी भी प्रकार का संवाद से भागना, गलत जिद में फंसे रहना, यानी सारा का सारा हम देख ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानना, संसद की नहीं मानना, आखिर जो का संसद है वो सक्षम है और उसी को अधिकार कानून बनाने का। संसद कोई हवा में से नहीं बनती, संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है, जो एक जनरल विल है, जो एक देश की इच्छा है वो संसद के द्वारा प्रकट होती है। राजनीतिक दल एक एजेंडे को लेकर के जाते हैं, उस एजेंडे के अनुसार वोट की वो रिक्वेस्ट करते जनता से, जनता निर्णय करती है, उसके आधार पर कानून बनते हैं, उसको नहीं मानना, उसमें चर्चा हुई उसको स्वीकार नहीं करना। 26 जनवरी के बाद आपकी सरकार ने, एक सेकंड सर, क्या आपकी सरकार ने बात करने की पहल की? क्या कृषि मंत्री ने बुलाया? बस वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, बराबर तैयार है। नहीं नहीं, लेकिन ये जो प्री कंडीशन है कि कानून वापस लिए जाने चाहिए, ये कैसे संभव है? ये कहां तक उचित है? कंडीशन आप लगाते हो, कंडीशन लगाती है आपकी सरकार। संसद के द्वारा पास किए गए, संसद के द्वारा पास किए हुए कानून इस प्रकार से वापस लिए जाएंगे क्या? संसद की क्या मान्यता इस प्रकार से रहेगी? और मुझे बराबर आश्चर्य होता है, जो मैंने प्रारंभ में कहा, जो राजनीतिक एजेंडा है वो कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है। कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, मैं इसको जरा ज्यादा एलोबोरेट नहीं करना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि सारे के सारे किसानों के कथित आंदोलन के ऊपर वो हावी हो गया है वह कंफ्यूजन, और ये चल रहा है। ये आप लोग कंफ्यूज है टिकैत साहब, ये आरोप है बीजेपी का। लखीमपुर खीरी पर सर आते हैं, एक सेकंड सर, कब बात करना चाह रहे हैं? लखीमपुर खीरी नहीं, पहले रुको रुको ना, अभी एक जिले का तो कम से कम एमएसपी के किसानों का भला हो जाए। मंत्री जी जगह बता दो कि कहां किसान लेकर आए, अपने जिले की बता दो पहली चीज। आपने बिल्कुल वो करा, आप ये ना कहियो कि पुलिस रोक के, बिल्कुल नहीं कहेंगे, पूरी व्यवस्था है, एमएसपी पर खरीदारी की पूरी व्यवस्था है, तीसरे दिन भुगतान पहुंचने की व्यवस्था है। और मुझे ऐसा लगता है कि राकेश जी इस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व करते करते छोटे किसान से और जो सामान्य किसान है उसके संपर्क में नहीं रह गए हैं, इनको जमीनी जो सत्य है उसकी जानकारी नहीं। मैं गया था भी, पूरा माल लूट रहा है, मेरठ धन्यवाद आपका, मेरठ के सांसद जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में एमएसपी मिलेगी और भाई संपर्क कर लो, पूरा धान की उसकी खरीद यहाँ पर होगी, अभी जो धान की फसल आ रही है एक चीज तो हो गया आपके, लेकिन अब कंफ्यूजन बन रहा है और वो इसलिए सवाल तो एक चीज में और जवाब, सवाल पूछने का तो अधिकार दीजिए। दूसरा जो जवाब था, बोलिए,
जो मंत्री जी कहते हैं सब लोग सुन लो भाई ध्यान से, मंत्री जी क्या कहते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, संशोधन नहीं हो, संशोधन पर तैयार हैं, कानून वापसी नहीं होंगे, बात कर लो। तो इसका मतलब स्क्रिप्ट लिख ली, फाइनल लिख लिया है, किसान को बातचीत के लिए साइन करवाने के लिए बुलाते हैं। हमने ये कहा बातचीत कर लो, कमरे में बैठ कर करो, कोई आपको बात करनी आप वहां करो, पहले कंडीशन लगा के किसान बातचीत करने नहीं जाएगा।